अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ उस पाक ज़ात से कि आप सब लोग अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे और सब के शुक्र गुजार होंगे। आज आप देख रहे हैं आपके अपने मुतालिक जमे में जा रही है बहुत ही मज़ेदार कबाब, और वो भी बंद गोभी जिसे कैबेज भी कहते हैं। उसे मैंने सबसे पहले स्लाइसर या कद्दूकश जिसे से बारीक बारीक से कश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं जी। तो हम शुरू करते हैं अपनी कुकिंग, क्योंकि बच्चों को खिलाना सब्ज़ी बहुत मुश्किल काम होता है, और जब हम उनकी फेवरेट डिशेस बना कर अगर उनके सामने पेश करें तो यकीन माने कि वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक डाल कर हमें इसे मिक्स कर देंगे ताकि इसका जो, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके अपने मुल्तानी के जन बने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कबाब, वो भी बंद गोभी कैबेज के। तो हमने नमक लगा के इसे रखा हुआ था 10 मिनट के लिए रेस्ट या अभी इसमें का जो पानी होगा ये देखें, इसे हम एक अलग बर्तन में निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको हम देख कर इसका सारा पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका मैंने पानी निकाली जो कि अच्छा खासा निकल आया, जो इसका एक्स्ट्रा पानी था। अब ये देख सकते हैं इसमें ये बिल्कुल ड्राई की तरह का हो गया है, इसमें जो एक्स्ट्रा तेला हमारे कबाब बन गए हैं आप देख सकते हैं। इनकी लुकिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल कबाब, जो कि जैसे कि हमारे बीफ मटन चिकन के हम बनाते हैं, और यकीन मानिए टेस्ट भी उससे कम नहीं है। अब नेक्स्ट काम हमारा फ्राई का, यहाँ आयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये हम इसे वन बाय वन डालेंगे इसे। ये आप देख सकते हैं ये फ्राई हो रहे हैं, और आयल ज़्यादा हीटअप नहीं किया था मैंने, वरना ये बहुत ब्राउन और पैन भी मीडियम साइज पर देख सकते हैं हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इनकी लुकिंग दोनों साइड से पैक वगैरह अब इन्हें निकालेंगे और इसी तरह वन बाय वन फ्राई। देख सकते हैं आसान से रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कितने यम्मी लग रहे हैं और आउटस्टैंडिंग टेस्ट है। फीडबैक देना मत मिलेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे मेरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।